वो भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आए और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को उन्होंने गोली मार दी। वो गाय की हत्या से दुखी थे, इसलिए उन्होंने कानून की हत्या कर दी। ऐसा लगता है इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या उनके लिए राष्ट्र की सुरक्षा में किया गया एक ऐसा काम था जिसके लिए देश को गौरवान्वित होना चाहिए। उन्मादी भीड़ में शामिल सुमित की मौत भी किसी शहादत से कम नहीं है, क्योंकि गाय की रक्षा में गई जान मौत नहीं, राष्ट्र की सर्वोच्च सेवा है। और हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां गाय और राष्ट्र जैसे पर्यायवाची बन चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। बुलंदशहर में जो हुआ ये घटना भर नहीं है, एक ट्रेंड है जिसे समझने की जरूरत है। पिछले कई सालों में कई शहरों में ऐसा हो चुका है। ये किसी उन्मादी भीड़ की अचानक हुई प्रतिक्रिया नहीं है, एक डिजाइन है इसके पीछे। ये भीड़ कोई एक दिन में तैयार नहीं हुई है, एक लंबी ट्रेनिंग है इसके पीछे। एक विचार है जो धर्म और राष्ट्र के प्रतीकों का घालमेल कर रही है, जिसमें गाय के नाम पर होने वाला विरोध राष्ट्र विरोध करार दिया जा सकता है, गाय के नाम पर राष्ट्रद्रोही बनाए जा सकते हैं। ये बहुत खतरनाक दौर है, इसको समझने की जरूरत है, इसको लेकर सचेत होने की जरूरत है। इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। भारत माता की जय के नारे लगा रही इस उन्मादी भीड़ ने एक एसओ की जान ले ली। गाय के नाम पर कानून को ताक पर रख दिया गया। सवाल ये है कि बवाल कोई सोची समझी साजिश थी या फिर आस्था के नाम पर अंधी हुई भीड़ ने अचानक इस हिंसा को अंजाम दिया। बुलंदशहर हिंसा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंसा का अंदाजा क्यों नहीं लगा पाई पुलिस? इंटेलिजेंस क्यों भाप नहीं पाई लोगों का मिजाज? बुलंदशहर में गोकशी के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया था, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। जहां हिंसा हुई वहां से महज 40 किलोमीटर दूर एक समुदाय विशेष का कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन दोनों ही सजग थे। ऐसे में LIU भी सतर्क होगा। जहां हिंसा हुई वहां 3 गांवों के 400 से ज्यादा लोग जमा हुए थे। सवाल इसी बात पर खड़े हो रहे हैं कि गौवंश का मांस मिलने के बाद इतनी जल्दी इतने सारे लोग कैसे जमा हो गए? इस सवाल पर ADG आनंद कुमार का कहना था कि इन सब बातों का खुलासा SIT जांच के बाद ही होगा। किसी का फेलियर मैं नहीं कहूंगा, एक घटना घटित हुई है। SIT फिलहाल इस समय किसी का फेलियर बोलना जल्दबाजी होगी और मैं इसमें इंडल्ज नहीं करूंगा। SIT की जांच इस बात को तय करेगी कि क्या ये घटना प्रिवेंटेबल थी या घटना में किसी की लापरवाही रही या कर्मण्यता रही, ये सारी चीजें SIT तय करेगी। हिंसा में शामिल थी 400 लोगों की भीड़। पुलिस ने सिर्फ 88 लोगों पर केस किया दर्ज। 3 दिसंबर को बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र के एक खेत में गोकुशी की आशंका के बाद बवाल शुरू हुआ। इसकी शिकायत मिलने पर सुबोध कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। इस मामले में FIR दर्ज की जा रही थी। इतने में गांव से करीब 400 से 500 लोगों की भीड़ ट्रैक्टर ट्रॉली में कथित गोवंश के अवशेष भरकर चिंगरावट्टी पुलिस के पास पहुंची और जाम लगा दिया। उत्तेजित गौ रक्षकों ने चिंगरावट्टी पुलिस चौकी पर जमकर तोड़फोड़ की और आग भी लगाई। पुलिस की कई जीप और आधा दर्जन दोपहिया वाहन फूंक डाले गए। सवाल इस पर भी खड़े हो रहे हैं कि जब घटना को अंजाम देने वाले लोगों की संख्या 400 के करीब थी तो सिर्फ 88 लोगों पर केस क्यों दर्ज किया गया, जबकि गिरफ्तार केवल 4 लोगों को किया गया।
नामजदगी में अभी तक 4 नामित अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और 4-5 अन्य लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है फिलहाल। उसके अतिरिक्त 6 टीमें हमारी पुलिस की बनी हुई हैं, जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, जो नामित अभियुक्त हैं उनकी और जो प्रकाश में आ रहे हैं लोग उनकी। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो पर्याप्त वीडियो फुटेज है और जो भी वहाँ पे लोगों की ओरल टेस्टिमनी है उसके आधार पर, पुख्ता सबूत के आधार पर ही गिरफ्तारी होगी। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजने की कोई मंशा नहीं है और यह सुनिश्चित किया जाएगा, इसीलिए SIT का गठन किया गया है कि किसी प्रकार से कोई जाति ना हो पुलिस के पार्ट पे। जिन लोगों ने प्रतिभाग किया है इस घटना में शामिल होने का, उनको छोड़ने की भी कोई कवायद नहीं है और जो लोग इसमें नहीं है उनको फंसाने की भी कोई मंशा। पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। योगेश राज, जिलाध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया गुट। उपेंद्र राघव, बजरंग दल। शिखर अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। देवेंद्र गिरफ्तार। चमन गिरफ्तार। आशीष चौहान गिरफ्तार। सतीश गिरफ्तार। इन आरोपियों में से एक योगेश राज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद यानी प्रवीण तोगड़िया गुट का है। इस पूरे मामले में प्रवीण तोगड़िया ने योगेश राज को निर्दोष बताया है, साथ ही गौवंश मिलने पर सवाल भी खड़े किए हैं। सुबोध सिंह की हत्या पर सवाल खड़े। खेत में कैसे पहुंची पुलिस की जीप। भीड़ के आने के बाद क्यों भागे साथी पुलिस वाले। क्या पुलिस वालों के पास नहीं थे हथियार। इस हिंसा में स्याना चौकी प्रभारी सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई। इस हिंसा का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें सुबोध सिंह पुलिस जीप से बाहर लटके हुए हैं। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि सुबोध सिंह जब थाने में घायल हो गए थे तो जीप में खेत कैसे पहुंच गए। इस सवाल पर ADG आनंद कुमार का कहना है कि सुबोध सिंह थाने में घायल हुए थे और पुलिस वाले उन्हें लेकर अस्पताल जा रहे थे। इससे जो जानकारी आई है कि सुबोध सिंह को पहले कोई पत्थर लगा, जो एक हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से पत्थर लगा जिससे वो गिर गए चौकी के प्रांगण में दीवाल के सहित। फिर वहां से कुछ पुलिसकर्मियों ने उसको पीछे गाड़ी पीछे करके उनको अस्पताल ले जाने की कवायद की। अस्पताल ले जाने की जब कवायद हुई तो ये भीड़ का एक हिस्सा वहाँ पर भी आ गया जहाँ पे उनकी गाड़ी थी पीछे की तरफ खेत की तरफ, और वहाँ पर भी भारी संख्या में पथराव और गोलीबारी हुई, जिस बात की पुष्टि वहाँ के पुलिसकर्मी। तो सुबोध कुमार की हत्या एक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से एक इंस्पेक्टर की हत्या करने के बाद भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो तिरंगा लेकर निकलते हैं और शहर में बलवा करते हैं, उन्माद फैलाते हैं, दंगे फैला रहे हैं, वो कौन लोग हैं। इनकी पहचान बहुत ज़रूरी है, इनको एक्सपोज करना ज़रूरी है, इस बात को समझना ज़रूरी है कि इसके पीछे ये कोई अचानक किसी उन्मादी भीड़ की करतूत नहीं है। इसके पीछे जो लोग हैं वो उनकी एक विचारधारा है, वो एक खास तरीके से ट्रेन किए गए हैं इस तरीके से उन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए। मैं बात इसलिए बहुत पक्के तौर पे कह रहा हूँ और बहुत विश्वास से कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जो इस मामले में का मुख्य आरोपी है एक तरीके से, योगेश राज प्रवीण। आप देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि कैसे इस आदमी का जो सोशल मीडिया का अकाउंट है, आप फेसबुक और दूसरे जब अकाउंट्स पे जाएंगे तो इसके बारे में जो जानकारी आपको मिलती है तो आपको समझ में आ जाता है कि ये असल में ये कोई एक दिन में अचानक से हुई घटना नहीं है। योगेश वहाँ 400 लोगों को लेकर इकट्ठा हो जाता है जिनके पास हर तरह के हथियार हैं, पिस्टल है, और वहाँ पर फायरिंग की आवाज़ देख रहे हैं किस तरीके से तलवार और दूसरे हथियारों से लैस लोग थे, तो ये अचानक से 400 लोगों की भीड़ नहीं आ जाती है।
इसके पीछे एक संगठन है, इसके पीछे एक विचारधारा है। यही योगेश राज जो इस मामले में आरोपी है, एक उसकी उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर आप इसको देखिए, तिरंगा यात्रा। मैं कह रहा हूं बार बार कि क्यों धर्म और राष्ट्र के प्रतीकों को मिलाया जा रहा है, क्यों घालमेल किया जा रहा है, यह अनायास नहीं है। गाय को लेकर जो कोई वारदात होती है उसे राष्ट्र के प्रतीकों से कैसे जोड़ दिया जाता है, ये इसको समझने की जरूरत है। यही योगेश राज तिरंगा यात्रा भी निकालते हैं, और ये यही योगेश राज ये भी कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा पर यात्रा का एकमात्र समाधान है हज यात्रा की फ्लाइटों पर हमला। जय श्री राम। यही योगेश कुमार हैं, यही योगेश कुमार हैं जो कहते हैं, ये एक तरीके से बजरंग दल, उस समय बजरंग दल के हैं, जब कहते हैं कि गौ कशी हुई तो त्योहार बिगड़ जाएगा, ध्यान रहे बजरंग दल। ये वही, और आप देखिए इन तस्वीरों को देखिए और समझिए ये कौन लोग हैं और ये कैसे हो रहा है। बजरंग दल ये आदमी है जो इस मार्च को लीड कर रहा है। और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, ये संघ के एक कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जिसमें कि वो हिस्सा ले रहे हैं, आप इन तस्वीरों को अच्छी तरह पहचानते होंगे। और देखिए क्यों इस बात को समझना जरूरी है कि असल में जो ये हो रहा है ये अनायास नहीं है, ये इत्तेफाक भर नहीं है। योगेश राज, प्रवीण, बजरंग दल, जिला संयोजक, आज ये किस संगठन में है, उसके मुखिया कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि ये लोग जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ये किस तरह के संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, और कौन कहां से आते हैं, कहां इनकी ट्रेनिंग हो रही है, और किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है जो इस तरीके के उन्मादी भीड़ में तब्दील कर देते हैं लोगों को, नौजवानों को, जो कि लोगों की जान लेने और देने पर आमादा रहते हैं। इसको समझना जरूरी है। और हमारे साथ आज स्टूडियो में जो लोग हैं, जरा उनसे भी पहले परिचय कर लें फिर सवाल करेंगे। कर्नल दयाशंकर दुबे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कल जब ये घटना हुई और कल भी हम इसी मुद्दे पर जब यहाँ बहस कर रहे थे तो हमने सवाल पूछा था कि ये लोग कौन हैं जो इस तरीके से उन्माद फैलाते हैं और इसके पीछे का डिज़ाइन क्या है, क्या साजिश है, कहीं कोई साजिश तो नहीं है, तब हम ये सवाल कर रहे थे। आज पक्के तौर पर हम कह सकते हैं कि इसके पीछे एक साजिश है, पक्की साजिश है, क्योंकि वो चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। कल बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये एक उन्मादी भीड़ है, एक गुस्से में गौकशी से गुस्से में आई भीड़ का अचानक से हुआ हमला है और पुलिस वाले समझ नहीं पाए और ये घटना हो गई, एक इत्तफाक है, एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। लेकिन आज भी क्या वो यही कहेंगे, सवाल हम करेंगे उनसे। अब्बास अली जैदी हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, मंजू दीक्षित कांग्रेस की तरफ से हैं, इसके अलावा पूर्व डीजीपी आनंदलाल बनर्जी हैं हमारे साथ, मोहम्मद शोएब हैं रिहाई मंच से जो मुसलमानों के से जुड़े हुए मसलों को पर अपनी आवाज बुलंद करता रहता है, इसके अलावा वेद सचान हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से जो प्रवीण तोगड़िया गुट है विश्व हिंदू परिषद का, वो थोड़े दिन पहले सब एक ही थे, नाम बदल गई लेकिन विचारधारा का मुबेस वही है। कर्नल दयाशंकर दुबे, क्या आज भी पार्टी यही कहेगी, सरकार यही कहेगी कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और इसके पीछे किसी तरह का कोई संगठन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है? रंजीत जी, सबसे पहले तो सुबोध जी की जो हत्या हुई है इसको जघन्य अपराध की श्रेणी में डालते हुए उनके आत्मा के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उनको सदगति प्राप्त हो। इसके साथ ही एक वैसी भी जान गई है जो सिविल पॉपुलेशन से है, मुझे लगता है उनके लिए भी हम सबको प्रार्थना करना चाहिए। अब जो आप कह रहे हैं कि क्या है भाजपा का स्टैंड, तो भाजपा का सीधा सा स्टैंड है, अपना संकल्प पत्र एक है कि संविधान के द्वारा बनाई गई जो भी नियम कानून है उसके तरीके सरकार को चलाना। अब जो कह रहे हैं कि क्या ये सुनियोजित तरीके से है, क्या नहीं, उस तो संविधान में गाय नहीं है भाई, उस संविधान में गाय नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि गाय और राष्ट्र एक हो गई क्या, अब हमें मान ले क्या? संविधान में गाय, अगर भारत माता की जय कह के लोग, अगर भीड़ जो है गोली मार दे रही है पुलिस वाले को, अगर तो इसको ये कौन सा ट्रेंड है साहब, और ये कौन लोग हैं? अब तो सारे चेहरे एक्सपोज हो चुके हैं, अब इस पर आपको बोलना चाहिए मुझे ना। तो ये योगेश राज से आपके कौन क्या रिश्ते हैं, क्या ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद और ये संघ के अनुसांगिक संगठन अब रहे कि नहीं रहे,
कि आज के बाद इनको आप कह देंगे कि नहीं भाई ये दाखिल खारिज करो इनका, नहीं हम हमसे कोई लेना कोई रिश्ता नहीं है, मतलब आप बताना होगा ना इसको। मुझे लिबर्टी ऑफ स्पीच की दुहाई देते हुए आपसे समय मांगना होगा। नहीं आप बोलिए। और मुझे हम तो सारे सवाल आप ही को लेकर हैं, बाकी जो भी चारों पांचों लोगों को हमने इसलिए बुला लिया है कि टीवी पे थोड़ा सा स्क्रीन भरा भरा लगे, अदरवाइज हमारे पास दूसरे के लिए किसी के लिए कोई सवाल नहीं। सच पूछिए तो आप बताइए, मैं पूरी पूरी तसल्ली पूरे धैर्य से सुनना चाहता हूं। ऐसा नहीं है, जितने भी वक्ता आए हैं जिससे सबका सम्मान है, सबका अपना एक विचार है, वो अपना विचार रखते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। मेरा मानना ये है सर कि आज आपको ये स्थिति दिख रही है, इसके दो पक्ष हैं, एक कानूनी तौर पर जो संवैधानिक है और दूसरा पक्ष जो है वो सामाजिक पक्ष है। जब से केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी और प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, आप याद करिए वो दिन जब हम लोग बड़े 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 गंभीरता के साथ दंभ भरते थे कि असहिष्णुता आ गई है। कुछ लोग जो थे पुरस्कार वापसी करते थे, कुछ लोगों को ये कहना था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं, कुछ लोगों का कहना यह था कि समाज में जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, क्यों आप मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। आज समाज जागरूक है, ये सामाजिक परिवर्तन है, इसकी वो हमको समझना होगा। और ये समाज जागरूक है, मैं ये मानता हूं कि जो कानूनी व्यवस्था जो हुई है, जिसका भी आपने नाम लिया, ये सर्वविदित है, सबको पता है। शासन प्रशासन का एक ही काम है कि समाज के अंदर यदि कोई भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करे तो आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। आप ही ने भी बताया, मेरी भी अपनी जानकारी है कि चार लोग बंद हैं, लगभग 88 लोग, मेरे हिसाब से वो 90 के ऊपर है, लेकिन 88 अभी दिखाया जा रहा है, तो 88 मान के चला जाए जो उनकी FIR दर्ज है, इनके सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, दो दो SIT बैठ चुकी है, 48 आवर्स का टाइम दिया गया है, कहां पर शिथिलता है। आप एक चीज को समझें कि उसी शहर के अंदर 15 लाख, हमारा सवाल एक कर्नल दयाशंकर दुबे, हमारा सवाल 40 किलोमीटर, हमारा सवाल ये बिल्कुल नहीं है कर्नल दयाशंकर। नहीं, आपने कहा सुनियोजित, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये घटना जो हुई इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे की साजिश क्या है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये सब तो हम कितने दाव पेच देख लिए कर्नल दयाशंकर, बिल्कुल सरकारों की यही दाव पेच तो देख रहे हैं, पूरी है ना, पूरी कौम देख रही, यही देख रही है ना कि भाई जब भी कोई घटना हो जाती है SIT बना दो, फलना जांच करा दो, ये बिठा दो, क्या होता है नहीं होता है सबको पता है। ऐसे एक मिनट, नहीं मैं तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, आप उसको फांसी पे लटका देंगे, आप समाज पे लटका देंगे, मैं गुस्सा जाए इस बात से फर्क नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि ये लोग कौन है, ये कहां ट्रेन किए गए हैं, कहां इनकी ट्रेनिंग हुई है, कहां इनका ब्रेन वॉश हुआ है, क्यों ये इस तरह की बातें, ये कोई एक दिन में तो ये योगेश राज पैदा नहीं हुआ ना सर, ये योगेश राज का एक नौजवान का योगेश राज बन जाना ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, इसके पीछे एक पूरी पूरी प्रक्रिया है, जिसमें वो पहले फेसबुक पे लिखता है कि अगर अमरनाथ की यात्रा नहीं हो रही है तो हज जो जा रहे हैं प्लेन उस पर हमला कर दो, और अगर गो कशी हुई तो त्यौहार शांतिपूर्ण नहीं होंगे, और मतलब खैर नहीं है तुम्हें, मतलब जो आदमी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है सोशल मीडिया पर, वो खुद लिख रहा है कि बजरंग दल का आदमी है, वो लिख रहा है कि विश्व हिंदू परिषद का आदमी है, भाई ये कौन लोग हैं, ये आपके लोग नहीं है क्या, ये आप एक लाइन में बताइए ना कर्नल दयाशंकर दुबे कि क्या ये आपके लोग हैं कि नहीं हैं। रंजीत जी, आपका इस तरह से बोलना वाजिब है, आप समाज के सम्मानित बुद्धिजीवी हैं, पत्रकारिता में आप एक स्तंभ हैं, लेकिन मेरा कहना कुछ और है, इसी से मिलता जुलता कि ये वो लोग नहीं है जिनको आप कह रहे हैं कि ट्रेंड किए गए हैं। भाजपा इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं देती है, पहली बात तो ये क्लियर कर दें, हम आपको लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करने की ट्रेनिंग हम कोई इस तरह की हमारे यहाँ है नहीं, कम से कम मेरे पे आप भरोसा करिए, हम अंदर तक देख रहे हैं चीजों को, ऐसा संगठन में हमारे यहाँ कहीं नहीं है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक सेकंड आपने कह दिया जस्ट टू लाइन, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, यू मे नॉट एग्री, बट देन आपको ये भी करना होगा सर। अभी आप अब चला रहे थे, न्यूज में दिखा रहे थे कि पुलिस के ADG जो है लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस पर अभी तत्काल कुछ भी कह देना ठीक नहीं, हम इसको जांच तो कर ही रहे, लेकिन आपको दो बिंदु पर मैं बात करूंगा, मैं उस पर आना चाहता हूं, पहला बिंदु ये है सर, पहला बिंदु ये है सर, मैं उसी शहर के अंदर आनंदलाल बनर्जी से सवाल करता हूं, लेकिन मैं इतने सारे लोग, आपने कह दिया तो मैं आपसे पूछूंगा, के लोग बैठे हैं सर, और वो अपने रिचुअल्स, अपनी मीटिंग्स, अपना सामाजिक दायित्व पूरा कर, उसका निर्वहन हो रहा है। अब मुझे लगता है आपको भी कहीं ना कहीं माननीय योगी जी की सरकार को इसके लिए धन्यवाद तो देना ही चाहिए कि संतोषजनक सब कुछ ठीक चल रहा था। दूसरा पक्ष की वहीं पर देखिए, ऐसा हुआ कि जब कुछ मुस्लिम परिवार फंस गए, लोग फंस गए, तो उनको ले जाकर के वहीं बगल में मंदिर में नमाज अदा कराएगी, उससे 15 दिन भी पीछे नहीं जाइए, बहुत जल्दी हाल की बात है,
कि इतने सारे लोग अयोध्या में आए और यही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां खड़े होकर के वहां अपने लोगों के साथ इतनी सब कुछ सहूलियत के साथ कर दिया। यही प्रशासन आज के दिन में हमारे साधु संत जिनको हम इतना सम्मान करते हैं उनकी सुरक्षा को और अयोध्या की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सवाल ही नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है, दया शंकर दुबे आज हम प्रशासन को लेकर कोई सवाल नहीं करना चाहते, आपको भरोसा रखना है अपनी सरकार पर। भाई हमने अभी तक आपसे प्रशासन को लेकर कोई सवाल किया? हमने पूछ, हमने कहा क्या कि पुलिस नकारी है, निकम्मी है, गैर जिम्मेदार है? हमने कहा क्या? हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा ना। हम तो ये कह रहे हैं कि ये गुंडे कौन है, ये गुंडे कौन हैं जो केसरिया साफा बांध के आते हैं, जो भगवा साफा बांध के आते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, तिरंगा लेकर आते हैं और गोली मार देते हैं, दंगा फैला देते हैं, कौन लोग हैं? मैं तो ये सवाल कर रहा हूं और इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि जब 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 ये बजरंग दल का पोस्टर लगाता है आदमी शहर में और कहता है और साथ में अपने सोशल मीडिया पे लिखता है कि हज वाले विमानों पे हमला करना ही अब एक रास्ता बचा है और ये शहर में अगर गोकशी हुई तो ये शांति और ये त्योहार हम खराब कर देंगे और ये साथ में बजरंग दल हैशटैग लगाता है और उसके बाद भी नीचे खुद को लिखता है कि बजरंग दल का जिला मंत्री है और ये पदाधिकारी है, तब कहां, कौन सा संगठन है साहब ये? हाँ। क्या है मतलब आखिर कुछ तो तय करेंगे, मतलब कुछ तो तय होगा ना, आप या तो इस तरफ है या तो उस तरफ है, आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई आप पूरे टाइम आप उनको पैटर्नाइज करते रहें, उनकी उनके पीठ पर हाथ रखे रहें और जब वो कोई घटना करते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं चलेगा ना। मैं उस पर वापिस आता हूं कि ये कौन लोग हैं। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की स्थिति एक स्पष्ट बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने स्वयं कह दिया था कि कुछ लोग हैं जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार और इस समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग वो हैं, ये कुछ लोग भाजपा के प्रायोजित लोग नहीं है, ये कुछ वो लोग नहीं है जिनको भाजपा ने ट्रेनिंग दिया है। किसी का भी भाई निर्दोष प्राणी का जान जाना, हाँ, मुझे लगता है जितनी भर्सना की जाए उतनी कम है। और अगर आपको लगता है, एक चीज और, इसलिए मैं इस आपकी बात को नहीं मान सकता हूं कर्नल दयाशंकर दुबे, अगर वाकई आपकी आपको बहुत चिंता है इस बात की और अगर आप ये मानते हैं कि ये वो लोग हैं जो आपकी सरकार और आपकी नीतियां आपके आपकी पार्टी के एजेंडे के साथ नहीं है, तो इनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? क्या बजरंग दल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कभी इस संगठन को आपने बैन किया? कभी आपने विश्व हिंदू परिषद, भाई आप उनके साथ गलबहिया डाल के अभी कितने दिन की बात है? अभी अभी तो ये सारे लोग आपके साथ मंच पे थे अयोध्या में, आप कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो आपके आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अगर इच्छा और उनके उसके खिलाफ काम हो रहा है और उसके बाद भी ये लोग काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, वो आपके साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो आपकी बातों को कैसे मान लिया जाए? कि मतलब आपकी मंच तो सब सबके साथ साझा करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिद्धू जी गए थे, आपने देखा नहीं, खालिस्तानी ने उसके उनके साथ मंच साझा किया और खुद वो गलबहिया कर रहे थे, फिर भी हम ज्यादा कुछ नहीं बोले, कहेगी ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहना कुछ और है। मेरा कहना यह है सर कि समाज में इस तरह का जो भी अपराध होता है, ये जघन्य अपराध, इस पर सिर्फ और सिर्फ इसको कानून की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए और कोई दृष्टि नहीं, और वो हमारा प्रशासन देख रहा है, शासन इस पर चुस्त है। कानून की दृष्टि से इसको क्यों नहीं सिर्फ देखा जा सकता? कानून की दृष्टि से इसको सिर्फ क्यों नहीं देखा जा सकता? कर्नल दयाशंकर दुबे, इसको लेकर के मेरे पास 50 तर्क है, मैं एक एक करके आऊंगा। मैं कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल इस बात को मैं मानता हूं कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है, ये सवाल एक ऐसी जहरीली विचारधारा का है जो इस देश को जड़ों तक खोखला कर रही है। उस पर बात करने की जरूरत है और उस पर चोट करने की जरूरत है। आनंदलाल बनर्जी सर, आपने सुना जब ये एडीजी कह रहे थे तो योगेश, हमने पूरा वो वीडियो आपको नहीं दिखाया, ये असल में उसके कुछ हिस्से हमने उसके बयान के यहाँ पर आप देख रहे थे, तो योगेश राज को लेकर वहां 3 बार उस सवाल किया जाता है एडीजी से और एडीजी की जुबान लड़खड़ा जाती है। एडीजी एक बार भी उस शख्स का नाम नहीं लेते और उसके बारे में नहीं बताते कि वो कौन आदमी है। वो आदमी जो इश्तेहार लगा रहा है पूरे शहर में, वे अपनी पहचान बताने के लिए पूरे शहर भर में सोशल मीडिया पे वो कौन है ये चीख चीख के बता रहा है, इश्तेहार लगा लगा के बता रहा है, एडीजी की जुबान लड़खड़ा जाती है कहने में कि ये बजरंग दल का आदमी है, ये विश्व हिंदू परिषद का आदमी है, ये आरएसएस के अनुसंगी संगठन का आदमी है। कमाल है साहब, ऐसे पुलिसिंग होगी क्या? देखिए, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे पूर्व में रहे सहयोगी सुबोध सिंह के अकाल मृत्यु पर शोक प्रकट करता हूं और संवेदना प्रकट करता हूं। दुख की बात है कि ऐसी घटना हुई, निंदनीय है।
इस पर आपने मुझसे यह पूछा है कि वहां पर जो भी बयान दिया गया है जी। अब मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जो FIR है जी। जो मैंने पढ़ी है, मैंने क्या कहते हैं DG ऑफिस से मंगाई, उन्होंने हमको भेजा, मैंने उसमें पढ़ के ये देखा है कि किसी भी व्यक्ति का के नाम के आगे उसके संगठन इंगित नहीं है। यही तरीका है, सुकूनत और वल्दियत और सुकूनत लिखा जाता है व्यक्ति का, उसके किस संगठन का ये कहीं नहीं लिखा जाता। ये संगठन का है कि नहीं है, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अथवा पुलिस बाद में इस पर तय करेगी कि वो किस एजेंसी का है और उस एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी चाहिए कि नहीं। आपने अभी कहा कि इस व्यक्ति में, इसने जो आपने जो सोशल मीडिया का इसका जो सब कुछ दिखाया है वो बड़ा चौंकाने वाला है, वो एक रेडिकलाइज्ड यूथ का है, जो हम बात करते हैं रेडिकलाइजेशन का, हम किसी और का भी बात करते हैं कि वो भी रेडिकलाइज्ड है, मगर हमारे सामने ये एक बड़ा अजीब सा किस्सा है, एक बहुत ही अजीब सी चीज है कि ये आदमी जो है हाईली रेडिकलाइज्ड है, ये हर बात पर हर जगह पर ऐसी बातें कर रहा है जिसमें कि इसको बहुत पहले ही बंद कर देना चाहिए था, इसके खिलाफ बहुत पहले ही मुकदमा लिख दिया जाना चाहिए था। ये जो आप दिखा रहे हैं बड़े बड़े पोस्टर इसने छपवाए हैं या बुलंदशहर में लगाए हैं जहां पर ये कह रहा है कि इस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए, That itself is sufficient, वो काफी है उसको जेल के अंदर करने का, उसको NSA लगाने के लिए, क्यों ऐसा नहीं किया गया है मैं नहीं समझ रहा हूं। हो सकता है कि assessment जो है intelligence के assessment कमजोर रहा हो। इस सर मैं कह रहा हूं कि चूंकि ये बात सामने आ गई इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे 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 यूथ, ऐसे नौजवानों की तादाद लाखों में है सर, मैं तो ये कह रहा हूं लाखों में है, जो कि सोशल मीडिया पर इससे भी ज्यादा गलत भाषा और बहुत ज्यादा भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सरेआम कर रहे हैं, मतलब कोई उनको डर नहीं है। मैं कह रहा हूं आज एक योगेश शर्मा सामने आ गया, योगेश राज सामने आ गया, कल को पता नहीं कितने योगेश राज तैयार बैठे हैं वो सामने आने के लिए, उनको मौके की तलाश है, वो पता नहीं कब मौका उनको मिल जाए और पता नहीं कितने सुबोध कुमार की जान जाएगी अभी इसमें। यही दिक्कत है, देखिए सोशल मीडिया की यही समस्या है, कोई भी कुछ भी लिख के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलग हो जाता है। आप जैसे मीडिया हैं, आप रिस्पॉन्सिबल मीडिया हैं, ये सोशल मीडिया जो है ये एब्सोल्युटली टोटली कंप्लीटली रिडिकुलसली क्या कहते हैं इरेस्पॉन्सिबल मीडिया है। इसके ये जो है जो अच्छा, इस पर आप वॉच भी ज्यादा नहीं रख सकते हैं, कितना रखेंगे। व्हाट्सएप ने आज ही एक वो निकाला है, फुल पेज एडवर्टाइजमेंट निकाला है, उन्होंने एक आदमी इसलिए इसके लिए नियुक्त किया है। अब आपने देखा होगा कि जहां ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है वहां की इंटरनेट सेवाएं खत्म कर दी जाती हैं, तो ये इस ओर इंगित करता है कि हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए ये एक सोशल मीडिया एक नई प्रॉब्लम की तरह सामने आ रही है। हाँ। उसके एडवांटेजेस भी हैं मगर इसके बहुत बड़े बड़े डिसएडवांटेजेस। वो बात तो ठीक है, लेकिन भाई सवाल ये है ना कि ये तो मतलब एक तरीके से शुरुआती, जब कोई क्रिमिनल बनता है तो शुरू शुरू छोटी छोटी घटनाएं करता है, फिर बाद में बड़ा हार्ड कोर क्रिमिनल हो जाता है, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे, तो भाई ये आदमी संकेत देना इसने बहुत पहले से शुरू कर दिया था। नहीं, इसको तो बहुत पहले लॉकअप कर देना चाहिए, है ना, कि इसने संकेत देना शुरू कर दिया था, कि किसी दिन किसी सुबोध कुमार के लिए या किसी भी सुमित कुमार या फलां किसी के लिए भी ये बहुत खतरा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। बल्कि कल तो एक छोटी घटना होकर खत्म हो गई, अगर उस हिसाब से देखें, अगर जितनी बड़ी चीज हो सकती थी वहां, जिस तरह का माहौल था, जिस तरह का मौका था, समय था, पता नहीं क्या हो सकता था और उसके पीछे क्या साजिश रही होगी, पता नहीं, ये मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि ये आदमी कि इस आदमी के बारे में इतनी सारी बातें पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद और एक खास तरह के संगठन से इसका रिश्ता होने के बावजूद पार्टी के लोग, सरकार के लोग, पुलिस सब ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं कौन आदमी था, कौन सी भीड़, गुस्साए ग्रामीण, उत्तेजित जनता, अरे किसको भरमा रहे हैं साहब। अब्बास अली जैदी, क्या क्या कहेंगे आप? भाई सबसे तो, पहले हाँ। तो मैं शहीद सुबोध कुमार सिंह जी के को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बहस और एक चिंता भी अपनी व्यक्तिगत तौर पर जाहिर करना चाहता हूँ। आज इस हादसे के बाद एक हमारी नई चिंता है, भीड़ तंत्र के हवाले अगर कोई मसला है और पुलिस तमाशबीन रहेगी तो पुलिस सुरक्षित रहेगी, और भीड़ तंत्र पर अगर पुलिस अपना फर्ज लागू करना चाहेगी तो पुलिस की हत्या कर दी जाएगी। आने वाले कल में भीड़ तंत्र को हमारे प्रदेश की जाबाज पुलिस रोकेगी या तमाशबीन रहेगी, मैं समझता हूँ कि हर समय अब ये बात पुलिस फोर्स के मनोबल को गिराने के लिए बहुत काफ़ी है। आपका रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए,
कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनको समझना चाहिए। इस प्रकार से एक घटना होती है, आपने कहा कि पूरी तरह से, मैं कहना चाहता हूँ गौ तस्करी आपके राज्य में बंद नहीं हुई और बढ़ गई है और भ्रष्टाचार को एक उद्योग की शक्ल में समर्थन कर रही है। यही कारण है कि वहाँ पर प्रतिबंधित मांस का पाया जाना, वहाँ प्रतिबंधित मांस पाया जाता है, ग्रामीणों में एक नेचुरल उत्तेजना आती है और उस उत्तेजना को शहीद सुबोध सिंह मौके पे जा करके ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद चले आते हैं। एक घंटा डेढ़ घंटा गुजर जाने के बाद एक बड़ी भीड़, उसको ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे और सीधे पुलिस चौकी पहुँचे, ये सिद्ध करता है कि पुलिस के उस जाबाज शहीद ने कहीं ना कहीं भीड़ को अपने एजेंडा को लागू करने में फर्ज को आगे रख करके रोकने का काम किया था, इसीलिए पुलिस को टारगेट पे किया गया। और ये बहुत बड़ी चिंता है और ये चिंता इसलिए भी है कि नफरतों के बाजार को कितना गर्म किया गया है इस प्रदेश में कि आज नफरतों को खरीदने के लिए हर आदमी तैयार है। नौजवानों को भी सोचना होगा ये जो भी हुआ है ये उस बहस के कारण हुआ है कि जो इस देश प्रदेश में लगातार जारी है, वो चाहे राजनीतिक मंचों से बहस हो रही हो, चाहे कुछ चैनलों से बहस हो रही हो, कि जिसका ये परिणाम आया है कि आज इतनी बड़ी घटना हुई। और मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम सवालों पर जवाब होने चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई, जो मामला शांत हो गया था, 40 से ज्यादा लोगों के हाथ में कंट्री मेड पिस्टल का आ जाना, रिवॉल्वर का आ जाना, देसी कट्टों का आ जाना। आप कहते हैं ये क्या कर रही थी आपकी खुफिया एजेंसी, किसी क्षेत्र में इतनी बड़ी तादाद में अवैध असलहों का आ जाना और सारे असलहों का एक समय पे एक ही स्थान पे निकल आना, ये सिद्ध करता है कि एक बड़ी साजिश थी कि जिस साजिश को कहीं ना कहीं अपनी शहादत पेश करके उस जाबाज मर्द ने, इस देश के सच्चे सपूत ने अपनी शहादत पेश करके उस साजिश को रोकने का काम किया है। अब आगे काम सरकार का है। आप SIT गठित करते हैं, जब कोई बात आप विपक्ष में रहते थे, कोई घटना होती थी तो तुरंत आप CBI की बात करते थे, आप SIT की जांच गठित करते हैं। आपको कहीं ना कहीं अगर इस भीड़ तंत्र की कमर तोड़ने के लिए आपने कोई सार्थक प्रयास किया होता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार कहा कि ये गौ रक्षक नहीं गुंडे हैं, उस वक्त के बाद भी आज तक आपकी किसी प्रदेश की सरकार ने या केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करके इनके हिम्मत को कहीं ना कहीं अघोषित तौर पर भरपूर बढ़ाने का काम किया है, पुलिस को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया कि कल भीड़ तंत्र के ताम सामने एक जिम्मेदार दरोगा, एक जिम्मेदार सिपाही क्या फैसला ले, ये तय कर पाना उसके लिए बहुत कठिन होगा। सही बात। वेद सचान है हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद वो संगठन है जो थोड़े दिन पहले विश्व हिंदू परिषद का हिस्सा था और प्रवीण तोगड़िया को जब संगठन से निकाल दिया गया तो उन्होंने एक नया मंच बना लिया है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। वेद सचान, ये जो आदमी जिसके बारे में बात हो रही थी, योगेश राज, ये आपके संगठन का आदमी है आज की तारीख में, और इस आदमी की एक्टिविटी क्या है, ये आदमी किस तरीके से सोशल मीडिया पे और पब्लिक डोमेन में किस तरह की बातें करता रहा है, किस तरह का एजेंडा प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है, वो सारी बातें अब ऑन रिकॉर्ड है और आज उसका केस भी सामने आ गया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मतलब एजेंडा क्या है साहब आप लोग का, क्या करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, एजेंडा तो बिल्कुल साफ है और जो ये घटना हुई है ये घटना कभी ना हो, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारों का, लॉ एंड ऑर्डर का कहीं ना कहीं खामियां हैं। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रतिबंधित मांस, गौ हत्या पर जब प्रतिबंध है तो जब इसकी जो है, जिसने गाय की हत्या की कैसे हुई, इसकी शुरुआत में ही अगर कमर तोड़ दी जाए तो ये आगे ना हो। जैसे मालूम है कि 11 अगर 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 नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर गाय की हत्या हो रही है तो यहां वो आरोपियों को सजा देने का काम HP करेगी क्या, अंतरराष्ट्रीय नहीं HP नहीं करेगी, ये तो पुलिस को करना चाहिए था। नहीं, बजरंग दल करेगा, निकम्मी हो जाएगी, नहीं करेगी विश्व हिंदू परिषद अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र में ये अब यही लोग करेंगे क्या? मतलब लॉ एंड ऑर्डर भाई, अगर ठीक है, अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो भाई ये चोर डकैत फला चिलना जितना रेप घटनाएं सब हो रही है सब आप ही लोग देखिए,
सब अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के और हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग सब लोग केसरिया साफा जागरूक करेंगे। मैं कह रहा हूँ आप जो भगवा साफा थाने में तैनात हो जाइए। आज तक जितनी भी घटनाएं दुनिया में हुई अगर उसकी जड़ में ठीक से प्रयास किया जाए तो आगे दूसरी घटना नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ कि गाय की हत्या नहीं है, गाय की हत्या शांत हो गया। मिनट मेरी बात सुन लीजिए, तो गाय की हत्या का बदला लोगों की हत्या करके लेंगे क्या? अरे हम कहते हैं गाय की हत्या क्यों हो रही है, नहीं तो उसका जवाब है लोगों की हत्या, इस पर क्यों नहीं बहस होती है? ठीक है, उस पर गाय गंगा गायत्री भारत माता पर जो है अगर कोई भी कुठाराघात करेगा फिर वही बात, गाय गंगा गायत्री और भारत माता, भारत माता का क्या रिश्ता है गाय गंगा गायत्री? सीधा रिश्ता है। क्या जब संकट देश भारत माता पर आता है तो ये गाय रूप धर के ही ऊपर जाके वो जो है ईश्वर से प्रार्थना करती है और अच्छा करिए अगर करती है। ये इतिहास पुराणों में सब लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कहीं पुराणों में लिखा हुआ भारत माता, पुराणों में लिखा हुआ भारत माता के बारे में, ये गाय उस समुद्र में, पुराणों में भारत माता के बारे में लिखा हुआ है, वेद सचान, वेद सचान से आया है, वेद सचान पुराणों में भारत माता के बारे में लिखा हुआ है क्या? वेद सचान जी आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, वेद सचान जी एक मिनट, वेद सचान जी एक मिनट, हमारे जो जो आप जिस लाइन को पकड़ रहे हैं आज वो लाइन पकड़ने का दिन नहीं है। हमको चिंता करना है कि उसके मूल में कहां है। आप सरकार से लेकर समाज तक को लगे हुए हैं। गलत रास्ता आप जा रहे हैं। आप बहस को बिल्कुल करने जा रहे हैं। ये गलत लाइन जा रहे हैं। मैं आपको अपोज करता हूं। आप जो है गलत लाइन जिम्मेदार आदमी की प्राण चली गई है, इस तरह से नहीं होगा। ये आप इसको छोड़िए, छोड़ करके इस तरह की बात नहीं हो सकती। आप यदि ऐसा करते हैं तो भगवान को भी करते हैं, शुरुआत गलत हो गई तो सब गलत कर देंगे आप। आज आपसे शुरुआत गलत, अगर एक गलती हो गई कि पुलिस प्रशासन, ठीक है, वेद सचान अगर एक गलती हो गई तो सब कुछ गलत कर देंगे। एक हत्या सूचना देते हैं, अरे भाई मैं कह रहा हूँ ठीक है, अगर एक नहीं सैकड़ों हजारों उदाहरण है मेरे पास, एक अपराध को रक्षा किया हूँ, ठीक है, जानता हूँ कितनी धमकियां मिलती हैं, कितने वही देशभक्ति हो गई, वही देशभक्ति हो गई, ठीक है, देशभक्ति का परिभाषा यही हो गई कि अगर आप भक्त हैं तो आप देशभक्त हैं, ठीक है, ठीक है, वेद सचान एक मिनट चुप रहिए आप, हाँ ठीक है, मंजू दीक्षित, ठीक है, मैं एक बार जरा कांग्रेस का भी पक्ष लेते हैं, मैं थोड़ा मंजू जी के पास पहुंचना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। हाँ अच्छा, आपको कोई सवाल है सचान साहब? हाँ, आप जो कह रहे हैं कि गाय हो गई इसलिए आदमी मर जाए, हाँ, हमारे इसी लखनऊ के अंदर भाजपा का एक कार्यकर्ता, आपको पता होगा कल ही हुआ है, हाँ, आज वो ज्वलंत है, हम क्या करें, पूरी आग लगा दे लखनऊ के अंदर? इट इज नॉट पॉसिबल। यदि गौ हत्या हुई है उसका भी एक तरीका है, नहीं नहीं गलत, ये हत्या आपसे हमें प्रार्थना करना है, ये गलत बात है, गौ हत्या हुई है उसके लिए जो भी गलत है उनको सजा मिलेगी, लेकिन गौ हत्या के बाद मानव हत्या कर देना ये सही नहीं ठहराया जा सकता, बिल्कुल गलत है। हमारी पार्टी इस बात का स्टैंड लेती है कि गौ हत्या के बाद मानव हत्या नहीं की जा सकती, ऐसी जगह चोट लग गई, लेकिन नहीं सर, नहीं ठीक है, उसको हत्या करने से सिस्टम में भरोसा करना है, मंजू दीक्षित ने सोचता है, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, गोली लगी है, राजस्थान गोली लगाई गई, हम कहते हैं कि कुल मिलाकर ये सब गलत है, कोई भी सचान साहब इस तरह की बात, उस अपराध को प्रेम में नहीं दबा देना चाहिए। मंजू दीक्षित सरकार से हमें भरोसा करना है, ठीक है, ठीक है, जरा कांग्रेस शांत रहिए, मंजू दीक्षित शांत हो जाइए, मंजू दीक्षित, रंजीत जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मृतक सुबोध जी को श्रद्धांजलि देती हूँ और आवाम से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर धर्म के नाम पर उन्माद को फैलाया जा रहा है आवाम उसको समझे और इनके बहकावे में ना आए। इसके साथ में मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगी कि जो आपका टाइटल था कि पालतू गुंडे, अभी जो तोगड़िया ग्रुप से अलग ग्रुप के साथी ने बात बताई तो मुझे लगा कि अभी तक की जो पढ़ी लिखी हमारी पढ़ाई थी सब बेकार गई, हमने देशभक्ति का जो बात समझी थी वो बातें सब मिथ्या हो गई, आज सिर्फ भारत माता की जय, केसरिया सर पे बांध लेना और जय श्री राम का नारा लगा देना और गौ रक्षा कर लेना, सिर्फ यही अब देशभक्ति के परिचायक रह गए हैं, इसके इतर अब देशभक्ति कुछ भी नहीं रह गई है। मैं यहाँ पर एक चीज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, जयंत सिन्हा जो केंद्रीय मंत्री थे भाजपा के, जब उन्होंने मॉब लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाई थी
ये प्रथा तब से जन्म लेने इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक ट्रेंड है, इसको ट्रेंड को समझने की जरूरत है। मैं खुद कह रही हूँ, मैं तो आपको इस बात के लिए बधाई दूंगी कि आपने बहुत खुले तौर पे, स्पष्ट तौर पे दिखाया कि भारी गुंडे, पालतू गुंडे ये पाले जा रहे हैं, ये पाले जा रहे हैं बाकायदा सुनियोजित तरीके से। किस तरीके से, जब आप सीसीटीवी कैमरा लगा करके हर जगह पर, जो आत्मरक्षा के लिए एक जरा सा चाकू ले जाने पर आपको आपत्ति होती है, तो किस तरीके से वहां असलाहा लेकर के आदमी चला जाता है, उस समय आपका लॉ एंड ऑर्डर कहां चला जाता? अभी कुछ महीनों पहले आपने शहीद पथ पर लखनऊ में विवेक तिवारी को गोली मार दी, आपके थाने में खड़े होकर के वो सिपाही जो है वो बाकायदा चैनल को इंटरव्यू देता है, कहता है कि मैं मुकदमा लड़ूंगा, उसकी पत्नी कहती है मैं मुकदमा लड़ूंगी, और उसके अकाउंट में पैसा आना चालू हो जाता है। क्या हुआ उसके खिलाफ? मामला रफा दफा हो गया, कुछ दिन बाद सब करेंगे वहीं पर। और यही वो पुलिस है जिसको आप हिंसक बनाएंगे, यही वो पुलिस है जिसको आप रौद्र रूप देंगे, और यही वो युवा है जिसको आप बरगलाएंगे। आपने रंजीत जी बहुत अच्छा विश्लेषण किया, जो आपने इसका सोशल अकाउंट का पूरा निकाल करके देखा, मैंने भी इसको देखा था, किस तरीके से अपने आप को महिमा मंडित करते हैं ये बेनाम गुमनाम बेशख्सियत लोग, किस तरीके से। और जब इनको जयंत सिन्हा जैसे लोग और सरपरस्ती मिल जाती है, सरपरस्ती मिलती है और इनको हौसला अफजाई होती है, इनका महिमा मंडन किया जाता है, इनकी रिहाई पर मिठाइयां बांटी जाती हैं, तो ये नायक बन जाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात, ये नायक बन जाते हैं एक ऐसे दौर में। और उसके बाद भी संसद में जब आंकड़ा मांगा जाता है तो इनके राज्य मंत्री हंसराज अहीर कहते हैं साहब हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, जबकि इसके विपरीत राज्य मंत्री नहीं है, इसके विपरीत समय कम है, थोड़ा और भी मेहमान है, जाने दीजिए। बहुत सारे मोहम्मद शोएब जो आपकी घटना वाली, उसको अच्छी तरह से पढ़ लें और फिर बात करें। कम से कम सूप हासे तो ऐसे चालन ना हासे जिसमें 70 जेल है। ठीक, यही भारी बात है। ठीक है मोहम्मद शोएब, यही बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, सोच समझ के विचार। मंजू दीक्षित प्लीज प्लीज, यही भाजपा है जो अपराधियों को तिरंगे में लपेट कर के महिमा मंडित करती है। हाँ, यही भाजपा है। हाँ, जो अपराधियों को और उनके परिवार वालों को नौकरी देती है उनके मारे जाने पर। हाँ, यही भाजपा है जो उनको कंपनसेशन देती है। देश को भगवा राज मैं इसीलिए कह रहा हूँ, यही है। यहाँ जिस सुमित की मौत हुई है, भाई किसी की भी मौत हुई है, ये बहुत बहुत अच्छी बात नहीं है, और ये बहुत ही एक तरीके से तकलीफ देने वाली बात है। नौजवान लड़का था भाई, लेकिन आप देखिए वो सुमित जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल से जा रहा था और वो गोलीबारी में फंस गया, असल में उसके बारे में जो कहानी निकल के आ रही है दूसरी है। वो उस भीड़ का हिस्सा था, उस भीड़ का हिस्सा था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो कौन लोग हैं जो सुमित को, योगेश राज को, अमित को, रंजीत को, किसी को भी एक बलवाई भीड़ में तब्दील कर दे रहे हैं। कौन लोग हैं ये, कौन सी मानसिकता है, कौन सा संगठन है? मेरा सवाल ये है मोहम्मद शोएब, इसको समझने की जरूरत है। हम जब ऐसे दौर में जब जी रहे हैं जहां की जो राष्ट्रवाद और धर्म और सारी सारे प्रतीक घाल मेल किए जा रहे हैं तिरंगे, अब भाई अब उस लड़के के लिए कहा जा रहा है कि उसको भी शायद शहीद का दर्जा दो, उसको भी उतना ही कंपनसेशन दो जितना कि पुलिस वाले को दिया। भाई एक आदमी जो बलवाई भीड़ का हिस्सा था, उसको आप उस पुलिस वाले के साथ कंपेयर कर रहे हो जो कि अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभाते हो, जिसने कुर्बानी दे दी। आप क्या करना चाहते हैं साहब? आप क्या इस देश में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप किसी भी भीड़ का हिस्सा रहेंगे, किसी भी उत्पाती भीड़ का हिस्सा रहेंगे, आप दंगे करेंगे लेकिन अगर मारे जाएंगे तो सरकार आपको कंपनसेट करेगी? आप ये करना चाहते हैं क्या? वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी लाश नहीं जलाई जा रही है सुमित की, आपको बता दूं मैं, और उसके घर वाले कह रहे हैं कि इसको भी वही कंपनसेशन मिलना चाहिए, वही दर्जा मिलना चाहिए जो सुबोध कुमार को मिला। भाई आप घर वालों की तो अपनी मांग नहीं, 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 नहीं साहब, वहां भीड़ है, सरकार ना सरकार का नुमाइंदा ना भारतीय जनता पार्टी, आपके पार्टी के वहां विधायक और सांसद विधायक इसलिए गए हैं, वो उस एरिया के रहने मिलने गए हैं। भाई क्यों वहां पर जाना चाहिए? नहीं, किसी जाना चाहिए क्या हो जाए, क्यों जाना चाहिए? एबीसीडी जांच कर रही है। अगर कोई आदमी, आप किसी को वो भीड़ जो एक पुलिस वाले की हत्या कर देती है, नहीं मोटरसाइकिल पर शंकर दुबे स्टैंड लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा कि आप उस भीड़ के साथ हैं, आप उस भीड़ के साथ हैं जो एक पुलिस वाले की हत्या कर देती है, या उस आदमी के साथ हैं
आपको बताना पड़ेगा कि आप पुलिस वाले के साथ, आप दोनों तरफ नहीं हो सकते ना कर्नल दयाशंकर दुबे। पुलिस तो हमारी ही है, जब सरकार हमारी है तो पुलिस भी दोनों तरफ नहीं हो सकते ना। जब सरकार और पुलिस दोनों हमारी है, पुलिस को मारने वाले लोग के साथ कैसे हैं आप? पुलिस की हत्या करने वाले के साथ नहीं है, यही तो बस यही तो आज के डिबेट का मेन पॉइंट है जिसको हम कन्वे करना चाहते हैं कि हम किसी भी दंगाई, किसी भी कानून तोड़ने वाले या किसी भी अपराधी के साथ ये सरकार बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। ये सरकार संविधान में भरोसा करती है और सुचिता में विश्वास करती है कि सुमित के साथ, सुमित के परिवार के साथ आज आपकी संवेदना है ना भाई, उस सुमित के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी उसी भीड़ का हिस्सा था जिसने कि सुबोध कुमार की हत्या कर दी। देखिए, और अब बड़ा स्पष्ट है कि सुमित की मृत्यु हुई है। यदि उस क्षेत्र का विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि जाता है, मुझे लगता है उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं आपत्ति होनी चाहिए? क्यों आपत्ति नहीं होनी चाहिए? एक मिनट मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या इस योगेश राज को अगर गोली लग जाती, अगर इसकी मौत हो गई होती तो भी आप इसके साथ खड़े होते? मुझे लगता है आज खड़े होते ना सुमित के, खड़े होते ना सुमित के साथ, खड़े वैसे इसके साथ खड़े होते। आई विल रिक्वेस्ट नॉट टू, बेशक नहीं आपको, आपको आर पार हम सुमित के साथ आज भी खड़े नहीं है। नहीं, लेकिन ये जरूर अन्वेषण का विषय है, इसको हो जाने दीजिए। यदि वो निर्दोष है तो ये पूरी सरकार उसके साथ है, और यदि वो निर्दोष नहीं है तो कानूनी जो कार्रवाई होगी होगी। हम हमेशा अपराधी के खिलाफ है, सुचिता में भरोसा करते हैं, यही हमारी सरकार की एक लाइन का संकल्प है कि कानून व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ी करेगा उसके साथ सरकार नहीं है बल्कि उसको सख्ती से। सरकार में तो खुद अपराधी शामिल हैं। खैर, आपको तो बोलना इसलिए है, आपको इसलिए बोलना है कि ये हिंदुस्तान के अंदर आपको कुछ बोलना है। ये बहुत ही आज का जो विषय है, ये ऐसा मत बोलिए कुछ भी कह के बीजेपी ने ये नहीं कराया। किसने कराया? आप पूछ ही रहे थे, ऑलरेडी बात हो रही थी, ऑलरेडी मेजर जी से बात हो रही थी। वो अपना पक्ष रख रहे थे, जब थोड़ा भी डेविएट करके वो सरकार की तरफ गए तो हमने सीधा कहा कि ये आपकी करनी है। वो तो आप सरकार को बचाने के लिए कर रहे हैं, उस आदमी को, उस व्यक्ति को पकड़िए, उस व्यक्ति को पकड़िए। आप कर रहे हैं वो आज ऐसा, आपको इसलिए करना पड़ रहा है कठोर से नहीं निकलता रंजीत भाई। नहीं नहीं, लेकिन आप का गुस्सा कठोर से नहीं, नहीं ठीक बात है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि आज आप सचान जी को इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आज आप, आज उसकी आंच जो है ना वो आपके दामन तक आ गई। आंच नहीं, हम दुखी हैं सर इस बात को लेकर। अगर आप दुखी होते ना, आप अगर दुखी होते तो ये जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग जो त्रिशूल बांटते फिर रहे हैं, ये जो अपने फेसबुक अकाउंट पर ऐसे बैनर लगा के और धमकियां दे रहे हैं प्रशासन को और देश को, वो उनके खिलाफ आप चुप नहीं बैठे होते सर? अगर आप चिंतित होते तो, आप चिंतित नहीं है सर, आप चिंतित नहीं है, आप परेशान है कि ये जो आंच, जो आग लगाई है ना, जो चिंगारी आपने लगाई थी, उसकी आग जो है ना अब आपकी तरफ बढ़ने लगी है और वो आप खुद फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। बस और यही बात, देश और देश के अंदर इस जनता ने चुन के हमको बैठाया है। आप जरूर, वो कहते हैं ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, आप जरूर साथ में हैं हमारे, लेकिन मैं इसको ये नहीं मानता कि आप हमारे विरोध, हमारे शुभचिंतक हैं। यही आपका कर्तव्य है और आप हमको रास्ता दिखा रहे हैं, सही रास्ता दिखाना आप ही का। मोहम्मद शोएब, आप अपनी बात पूरी करिए, आप जरा उनको, उनकी बात पूरी कि भाई हम एक ऐसे दौर में जब ये सब इतना घाल मेल चल रहा है, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे नौजवान बरगलाए हुए या जो कहें माइंड वॉश किए हुए, ब्रेन वॉश किए हुए लोग ऐसे कातिल भीड़ में तब्दील हो जा रहे हैं, हो जा रही है नौजवानों की भीड़, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। कैसे कैसे देखते हैं आप और क्या कहेंगे आप? हमने तो साफ कहा कि भाजपा इनको पालती है। भाजपा के लोग जिस बार मालेगांव धमाके के बाद में राजनाथ सिंह जब उनको बात पूरी करने की बात कर रहे हैं, उनको बात पूरी कर, आधार तो दे सर, आधार दे सकते हैं, राजनाथ सिंह उन्होंने कहा साध्वी के प्रज्ञा को हम बचाएंगे और गृह मंत्री होने के बाद बचाया गया। इसी तरह से तमाम इस तरह के लोग हैं जिनको भाजपा पालती है, भाजपा उनसे गलत काम कराती है। क्यों नहीं एक देश में, देश में अशांति पैदा कर रही है, ओबीसी की क्यों नहीं भर्सना करती कि ओबीसी की भर्सना की जाएगी, ओबीसी की भर्सना की जाएगी, और करेंगे बात करते करेंगे सर, ऊपर बात करिए, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। मोहम्मद शोएब भी करेंगे, अगर ओबीसी गलत बोलेंगे तो मोहम्मद शोएब भी करेंगे। हम अपने पंथ को संभाल ही रहे हैं, आपका है उतना ही सबका है। यस, यह देश जितना आपका है, जितनी आपको चिंता हो रही है इस देश की, हिंदुस्तान उतना हम सबका भी है। 70 साल तो ये आप ही का देश, 70 साल का गाना मत गाइए, ये रिकॉर्ड बहुत पुराना हो गया है, ये बहुत पुराना हो गया है। आपने देश को सिवाय बर्बादी और भ्रष्टाचार से लेके जो भी बनावट कुछ नहीं किया है आपने,
भ्रष्टाचार शुरू की और वो भ्रष्टाचार इस तरह की बात ना करें। देश हमारा भी है, देश आपका भी है, लेकिन जब देश की सरकार होती है तो वो जवाबदार होती है। देश और प्रदेश की सरकार जो चुनी हुई होती है वही कानून व्यवस्था के जवाबदार है। हम अपनी जिम्मेदारी को किस तरह महसूस करते हैं। आपने तो पूरे कत्लेआम कर दिया। आप याद करिए, याद करिए 84 का सिखों का झंडा किस तरह से आपने उच्चर कर दिया। याद करिए नैना साहनी कांड किस तरह से लोगों को आपने तंदूर में झोंक दिया। और कुल मिलाकर के देश को आपने छोड़ दिया। आज जो कश्मीर की स्थिति है आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। ठीक है, ठीक। अरे सब तो बोले, आप तो कम से कम रहिए। आपने 70 साल राज करके देश को कहां पहुंचा दिया। कर्नल दयाशंकर दूसरे दूसरों के दामन गंदे हो, सियासत करने लगे हैं। ठीक है, दूसरे के दामन गंदे हो तो आपके साफ नहीं हो जाते ना। नहीं सर, मैं आपकी बात, आपको अपना दामन अपना साफ करना पड़ेगा। बिल्कुल हम साफ कर रहे हैं। हाँ तो दूसरे के दामन पर मंजू जी आप बोल क्या रहे हैं, ये सोचिए। आत्मचिंतन आप सोचिए। हम तो करेंगे ही करेंगे। वेद सचान पर बहस करने आए हैं। ठीक है, ठीक है। वेद सचान ये जो आप, ये योगेश राज है, ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का सदस्य जो है, नेता है, जो स्थानीय नेता, ये अब भी आप इसको अपनी पार्टी के साथ, मतलब ये आपका झंडा बरदार रहेगा कि मतलब अब इसके खिलाफ कुछ करेंगे आप? देखिए, अभी तक आपने जितने भी कागज दिखाए उसमें कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का नाम तो नहीं है। हाँ, एक बात। हाँ, दूसरी बात, जो व्यक्ति का आप कह रहे हैं, हाँ, ये कि सोशल मीडिया में अनेक जगह पर उसके जो ये कारनामे रहे हैं, हाँ, कोई 2 दिन में तो हुए नहीं है। मान लेते हैं कि यह सरकार अभी आई, 2.5 साल हुए, इसके पहले भी उनके कारनामे सोशल मीडिया में से रहे होंगे, तो बाकी सरकारों ने अगर उनको वहीं दबा दिया होता, उनको पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया होता, तो ये घटनाएं जो हो रही आज ना होती। ये केवल इस घटना की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे पूरे प्रदेश में, देश में जगह जगह हो रहा है, जहां पर शुरुआती तौर पर तो बड़ा कोई कुछ करता नहीं है, कोई एक्शन नहीं लेता, न सरकार जाती है न पुलिस जाती है, तो इसलिए उनके हौसले बढ़ते हैं। और उसी प्रकार से हौसले केवल इनके नहीं, और आपके संगठन, आपके जैसे संगठनों के हौसले नहीं बढ़ रहे क्या? नहीं, और आपके जैसे संगठनों के हौसले नहीं बढ़ रहे क्या? रंजीत जी, क्योंकि आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती ना। केंद्र में है नहीं, आप घर में आग लगती है तो सुनियोजित नहीं होती है अपने कायदा रणनीति बना करके हत्या की गई है। आप सिलसिलेवार चीजें देखिए, थोड़ा आँख में चश्मा लगा करके देखिए, सियासत का चश्मा उतार करके, थोड़ा मानवता का चश्मा लगा करके देखिए, आपको सब स्पष्ट दिख जाएगा। ठीक है रंजीत जी, ठीक है, ठीक है। हमारे पास समय 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 बहुत नहीं है। हाँ, इसलिए उन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। जहाँ प्रदेश का मुख्यमंत्री कहकर ठोक दो दे रहे हैं, हाथ में लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। प्रतिबंध लगना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ठीक बात है, लेकिन करने से ज्यादा प्रोत्साहन देने वाला अपराधी होता है। ठीक है, ठीक है। राजनीतिक दल उनको देते हैं, ठीक है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ठीक है सचान, लेकिन अगर आपकी बात माने तो अगर प्रोत्साहन देना भी अगर अपराध की श्रेणी में है, तो ये बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और इस तरह के जो संगठन है और उससे जुड़े हुए जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इनको प्रश्रय कौन दे रहा है, इनको प्रोत्साहन कौन दे रहा है, उसकी जांच भी होनी चाहिए। उसकी जांच भी, और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं जानता हूं कि एक बार फिर से ठीक है। समय हमारे पास नहीं है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब समय नहीं है। थैंक यू। लेकिन मुझे मालूम है कि कोई जांच, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कुल मिलाकर के भीड़, एक उत्तेजित भीड़ ने एक पुलिस वाले की हत्या कर दी। इस दायरे में इस पूरी जांच को निपटा दिया जाएगा। और वो भीड़ कहां से आती है, उस भीड़ को कौन पैदा करता है, एक नौजवानों की भीड़ को बलवाइयों में, हत्यारी भीड़ में या हत्यारों में कौन तब्दील कर रहा है, इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं पक्के तौर पर जानता हूं। फिर भी हमें उम्मीद करते हैं कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर होगा, और हम अगर इसी तरीके से चर्चा करते रहे तो शायद किसी नतीजे पर पहुंचे एक दिन, कि ये इस तरह से नौजवानों को हत्यारी भीड़ में तब्दील कर देना
देश के लिए कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। आज सवाल आपका में इतना ही, आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।